देखो जी मोदी सही है, मुझे नहीं कहते मोदी ऊपर सही है, लेकिन नीचे कोई काम करने वाला खट्टर भी आया उसने दिखा है। मान ले पब्लिक परेशान है सारे काम की, इतना पानी खड़े हो जाए सारे रहा पानी चल रहा है बंदा रहेगा। अपनी वोट किसको जाएगी इस बार? मेरी तो इसको जाएगी जी, मोदी को। बजाज के फैन है भाई हम तो। क्यों ऐसा क्यों, बजाज के क्यों फैन है आप? बजाज के तो न्यू फैन है। वह एक ऐसा व्यक्ति है मतलब की वह कभी उसने पार्टी वाला तो काम नहीं करा, जनता की सेवा करी है। नमस्कार दर्शकों, जैसे जैसे चुनावी संग्राम बढ़ता जा रहा है, आज हमारी टीम पहुंची है गांव ज्योतिसर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ज्योतिसर तीर्थ, जहां पर ज्योतिसर स्थली, जहां पर कृष्ण जी ने उपदेश दिया था, इसी स्थली से आज हम बातचीत करेंगे यहां के स्थायी निवासियों से कि इस बार किनका वोट कहां जा रहा है। आइए रूबरू होंगे उन तमाम लोगों से जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए या तमाम और भाई हमारा बैठा है, इससे बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब? कुलदीप कुमार है भाई जी। इस बार आपका वोट किसको जाता है? वोट भाई हमारा तो जाएगा बजाज पे। अच्छा, भी लगा रखा है, बिल्ला भी दिखाएंगे। बजाज के फैन है भाई हम तो। क्यों ऐसा क्यों, बजाज के क्यों फैन है आप? बजाज के तो न्यू फैन है। वह एक ऐसा व्यक्ति है मतलब की वह कभी उसने पार्टी वाला तो काम नहीं करा, जनता की सेवा करी है। बस कोई भी व्यक्ति आधी रात ना किसी भी उससे चला जाए, मतलब की उन्हें कभी जवाब नहीं दिया किसी व्यक्ति को, कोई भी काम हो थाने चौकी का दफ्तर का, मतलब की लोग क्या करते हैं उससे काम कराते हैं, उसका तो फायदा उठावा लोग चलेगा। शरीफ आदमी है मतलब की दुनिया काम करा है, तो मतलब की यही बात है बस, मतलब की उस वर्ग का बंदा नहीं है बस। हमारे बीच और भी तमाम लोग बैठे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, उनसे भी रूबरू होंगे कि उनका वोट किसको जाएगा। हमारे ज्योतिसर तीर्थ स्थली पे आज टीम पहुंची है, बातचीत करेंगे यहाँ के निवासियों से। हाँ जी भाई सब, राम राम। किसकी वोट डालेंगे? किसकी? भाजपा सरकार। भाजपा की? ऐसा क्या खास है भाजपा में? चलो हमारी सपोर्ट में खड़े होते हैं जी, हमारे को अच्छा लगता है, हमारे काम नहीं रुकते जी, यही बेनिफिट है जी हमारे को। सरकार अच्छी है, महंगाई बहुत ज्यादा है बीजेपी सरकार में जी। सरकार काम भी बहुत करे हैं, बहुत काम करे हैं, बहुत अच्छे काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो महंगाई है ना कांग्रेस के राज में देखो कितना सस्ता है सब कुछ। अब गरीब बंदा जो 500 रुपए दिहाड़ी कमा रहा है वो 500 का सौदा भी नहीं लेके जा सकता घर पूरा। कांग्रेस के राज में 250-300 रुपए दिहाड़ी थी जी, जिसमें 100 रुपए का पूरा सामान घर चला जाता था जी। उसके बाद क्या 100-150 जेब में भी रह जाते जी। ठीक है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ भी सरकार अच्छी है, वोट डालेंगे जरूर डालेंगे, पर ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। भाई ने बहुत ही जमीनी बात करी है। भाई आप काम क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। बहुत ही दिल से बात आई भाई के कि सरकार भले ही मोदी सरकार अच्छी सरकार रही हो, लेकिन महंगाई के मामले में इस सरकार ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। अब और भी तमाम लोग है हमारे बीच में, बुजुर्ग करे इनसे बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपको? तो कैमरे में देखिए। क्या नाम है? सोन जी। सोन जी, इस बार वोट किसकी पानी है? कांग्रेस। कांग्रेस को? क्यों ऐसा क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस में बढ़िया काम है। कौन खड़ा कांग्रेस से? हमारे बुजुर्ग था, बूढ़ा था हमारा, उसका 5 मरले का प्लाट कटा ठीक, अब 100 गज का प्लाट कटा वो भी कांग्रेस के राज में कटा, इसने तो ग्रांट भी नहीं भेजी, खड्डा भी नहीं बनाया किसी ने लैटरिंग का। किसकी सरकार में? मैं मोबाइल सर में किसकी सरकार में है? कौन था? 1000 रुपए रोज कमा ले, 100 रुपए नहीं बंदे को जी। मौके पे विधायक कौन था? देखो जी मोदी सही है, मुझे नहीं कहते मोदी ऊपर सही है, लेकिन नीचे कोई काम करने वाला नहीं। क्या विधायक कौन था अभी? यहाँ सुभाष सुधा ने काम नहीं करे, कुछ नहीं करे जी। हाँ जी, ये सड़क देख दो आप जी, इसमें इतने ज्यादा पानी खड़ा, बरसात होती है। मैं कैमरा मैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे ज्योतिसर तीर्थ की जो मेन सड़क है उसका जिक्र चल रहा है। हाँ जी देखो, हाँ जी इस सड़क पे कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये सड़क क्या मंत्री नहीं अंदर इस पर सुधा नहीं अंदर, खट्टर भी आया उसने दिखा है। मान ले पब्लिक परेशान है सारे काम की, इतना पानी खड़े हो जाए सारे रहा पानी चल रहा है बंदा रहेगा, ये काम नहीं कर दिया हम यूं नहीं कहते मारिया सरकार, काम नहीं करते कोई भी, मतलब निचले स्तर पे काम नहीं हो रहा। ऊपर बढ़िया आदमी हम उसकी
तारीफ करेंगे। जो आज वो बैठा है ना, वो बहुत बढ़िया आदमी बैठा है, और सो कोई उनका काम खराब हो जाए। हमारे बीच और भी लोग हैं, ये भाई है हमारा एक, और ये भाई कहता हम बात नहीं करना चाहते, क्यों माहौल किसका है, माहौल जो जीतेगा अपना भी नहीं पता लग जाएगा। ये बात भी ठीक है, भाई कहता है जो जीतेगा तभी माहौल पता लगेगा। आइए तमाम लोग और भी खड़े हैं, स्थायी निवासी हैं, हमारे भाई हैं, हम उनसे जानेंगे, बुजुर्ग भी खड़े हैं उनसे भी जानेंगे कि कैसा माहौल है ज्योतिसर में। सर क्या नाम, राम जी? राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब का? विक्रम नाम है जी। विक्रम जी कैसा माहौल है? माहौल ठीक है जी, सारे का माहौल ठीक है यहाँ। यहाँ माहौल ठीक है। अपनी वोट किसको जाएगी इस बार? मेरी तो इसको जाएगी जी, मोदी को। मोदी को जाएगी। जैसा की अभी ताऊ जिक्र कर रहे थे, यहाँ पानी खड़ा रहता है, काम नहीं हुए, ये छोटे मोटे काम तो देखो जी चलते रहते हैं, ठीक है ना जी? और नहीं काम हो रहा है तो अपना शिकायत करो उसकी, जब भी ठीक होएगा वो जी। इस बार वोट किसकी पानी है? आठ का पड़ेगी। हैं? आठ का। इस पे? आठ का। हाथ पे? अशोक अरोड़ा जी की। हैं? क्यों ऐसा, क्या खास है अरोड़ा जी में? गांव का बंदा है, बसिंदा है, बढ़िया बंदा है। आइए, जैसे कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस की वोट पाएंगे, हमारे बीच युवा साथी बैठे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब? अमन है जी। हाँ जी, अमन है जी नाम। अमन, इस बार वोट किसकी पड़ेगी? अपनी वोट तो आम आदमी पार्टी को जाएगी, कृष्ण बजाज जी प्रत्याशी हैं उस पार्टी से, उनको जाएगी। क्यों ऐसा, क्या खास है कृष्ण बजाज में? खास तो सब कुछ है जी, उन्होंने आधी रात ना काम वाले बंदे हैं, हमारे साथ क्या पता कितने कांड हुए हैं, आधी रात ना एक बजे दो बजे जिस मर्जी टाइम फोन मारते हो, हमारे पास बाइक भी ना होती, हमारे साथ अपनी बाइक लेकर चलते रहते हैं, तो ऐसे बंदे को जाएगी हमारी वोट। मतलब कृष्ण बजाज जी आधी रात को घटने वाले बंदे हैं, उन्हीं को जाएगी। मेरा नाम है प्रवीण कुमार जी। आप ज्योतिषर सही हैं? हाँ जी। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम जी। कैसा माहौल है जी, आपकी वोट इस बार किसको जा रही है? मेरी वोट इस बार श्री कृष्ण बजाज जी को, आम आदमी के पार्टी प्रत्याशी को जा रही है जी, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, नेचर के बहुत अच्छे हैं। जितनी बार भी हम उनके पास काम लेकर, गांव के लोगों का काम लेकर गए, उन्होंने हमारे काम किए हैं। और दूसरी बात यह है कि वो सबके घरों में आते जाते हैं, सबके सुख दुख में आते जाते हैं। जैसे कोई कार्यकर्ता उनका अपने पुत्र समान समझते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को, अपने किसी का कोई दुख हो जाए तो एक मिनट में भाग जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं, अगर उनकी जरूरत आपको आधी रात को पड़ेगी, आधी रात को आपका फोन उठा लेंगे और आपके साथ चल पड़ेंगे। मैं भाजपा में भी उन्हें नहीं जोड़ा था पिछले लगभग 15 साल पहले, और उनके साथ ही काम किया मैंने। जब वो भाजपा में थे हमने भाजपा को वोट किया, लेकिन अब वो भाजपा को छोड़कर अलग हो चुके हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जाने की चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, मैं बीमार हो गया था, बजाज साहब मुझे लेकर खुद चंडीगढ़ गए, PGI वहाँ पे मेरा इलाज करा। देखो, मनुष्य वो बड़ा होता है, आदमी नेता वो बड़ा होता है जो अपने बच्चों को, अपने कार्यकर्ताओं को अहमियत दे, ना कि पैसे को बढ़ावा दे या फिर अपनी जेब भरने की कोशिश करे। इसलिए मैं कृष्ण बजाज जी के साथ जाना चाहूँगा। यहाँ पे पानी की मोटर खराब होगी, एक बार मैं विधायक जी के पास कोठी पे गया, देखो मानते थे पहले हमारी बातें भी, लेकिन उनका काम ये है कि अगर सरपंच ने या किसी और ने, उनको बड़े कार्यकर्ता ने बोला तभी काम करेंगे। मैं गया, मैंने बोला जी ऐसे ऐसे करके पानी की मोटर छोटी है, वहाँ पे पानी की मोटर बड़ी चाहिए, जो हमारे जो मकान है ऊंचे लेवल पे हैं, कम से कम 250-300 घर वहाँ पे रहते हैं, उनको पानी की जरूरत थी, तो पानी की मोटर नहीं मिली। ये बात कृष्ण बजाज जी को पता लगी कि वहाँ पे ऐसे ऐसे करके पानी की दिक्कत है, वो मेरे पास फोन आया, कहने लगे प्रवीण मेरे पास आ, मैं आपके साथ जाऊँगा। बजाज साहब मुझे लेकर SC साहब के पास गए, एक्शन साहब के पास गए, अपनी गाड़ी में मोटर रख कर लेकर आए और वो मोटर डलवा दी। तो आपके यहाँ से जो तमाम वोट है, कितनी के वोट मतलब रुझान रहेगा? तकरीबन मेरे गांव से 200-250 वोट मैं खुद कृष्ण बजाज जी को डलवाने की का काम करूंगा। हमारे बीच भाई मौजूद है, सर आपका नाम क्या है? जोनी राणा। राणा जी, इस बार आपका वोट किसको जा रहा है? अपना वोट जा रहा है श्री अशोक अरोड़ा जी को। ऐसा क्या खास है अशोक अरोड़ा जी में? खास तो क्या कहें, हम तो जब से हमने वो संभाला है, यानी कि 1998 से वोट देने का पहली बार हमने वोट डाली थी, उस टाइम भी अरोड़ा जी को डाली थी, और इनके काम को देखते हुए, इनके स्वभाव को देखते हुए, तो आज तक इनसे जुड़ रहे हैं। इन्होंने टूटने का कभी मौका ही नहीं दिया, कभी निराश ही नहीं किया। और दूसरे जो मान ले दूसरे विधायक हैं, तो उन्होंने किसी को अपने पास लगने नहीं दिया, इसका मेन कारण तो ये है। और अरोड़ा जी सुख में दुख में सबके गाँव में लाले, पड़ोस में लाले, सबके साथ मिलते हैं,
प्रेम से और सबके सुख दुख में जाते हैं। मौके के विधायक आपके इस टाइम मंत्री पद पर भी हैं सुभाष सुधा जी, तो उनके बारे में क्या राय है गांव की? गांव का तो देखो जी, ज्यादा तो मैं कहना नहीं, 95% तो रोड़ो जी के साथ हैं, बाकी 2-4-5% सबको हक है और सब स्वतंत्र है इस लोकतंत्र में, किसी को किसी के साथ जाने का, जिसका जिसके साथ जाने का मन करे। 95% माहौल इस टाइम हाथ पंजे के साथ है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है सर। आपका नाम जी? वीरेंद्र गिल। वीरेंद्र जी, किसको वोट जा रही है? 100 करोड़ जी, ये जन्म उसी के लिए है जी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही वीरेंद्र जी ने कि ये जन्म ही अशोक अरोड़ा जी को समर्पित करता हूं मैं। एक बहुत बड़ी बात होती है, अगर मेरे इंटरव्यू अशोक अरोड़ा जी देख रहे होंगे तो उन्हें फक्र होगा वीरेंद्र जी पे कि जिस ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पण कर दिया हो अशोक अरोड़ा जी को, अपने नेता को, अपने विधायक को। हमारे भी तमाम और लोग मौजूद है, ब्लॉक समिति मेंबर भी है ये रंजीत जी। रंजीत जी स्वागत है आपका। नमस्कार। इस बार वोट किसको जा रही है आपकी? कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों जा रही है? काम ही नहीं है बीजेपी में। हाँ जी, आप तो मौजूदा ब्लॉक समिति मेंबर भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैसा माहौल रहा इसका? बीजेपी का कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ, नाली सड़कों का बहुत बुरा हाल है, देखा ही होगा आपने, पानी की निकासी नहीं है, बहुत बुरा हाल है काम। तो आप ब्लॉक समिति मेंबर है, सरकार का हिस्सा है आप भी। हाँ जी, तो अपना भी तजुर्बा खराब रहा मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, कोई काम नहीं हुआ, हमारे चेयरमैन ने भी कोई काम नहीं किया, उससे भी सारे मेंबर परेशान है। कौन थे चेयरमैन? चेयरपर्सन आपके? राम मेलाचार्य। चेयरपर्सन प्रतिनिधि है? प्रतिनिधि, चेयरपर्सन रजनी शर्मा जी। अच्छा जी, मतलब माहौल खराब है सारा? माहौल बिल्कुल खराब है। और भाई साहब हमारे बीच मौजूद है, राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है भाई साहब आपका? गजय सिंह। गजय सिंह जी, कैसा माहौल है? ठीक है जी, दोनों का है, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी, दोनों का टक्कर है। आप भी ज्योति सर से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको इस बार कौन सरकार बना देगा? सर दोनों में कोई भी आ सकता है, बीजेपी भी आ सकती है, कांग्रेस भी। रला मिला माहौल है? रला मिला। हमारे बीच सिंह साहब भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका रुझान भी लेंगे कि क्या रुझान है। जी। मैं बलविंदर सिंह विरक अपना दबखड़ी गांव से। हाँ जी, तो कैसा माहौल है जी? बहुत बढ़िया, 90% हम अशोक अरोड़ा के साथ हैं। तो इसकी वजह है कि दूसरों के साथ हम क्यों नहीं है, उसकी वजह है हमारे गांव का विकास। अगर आप हमारे गांव में आएंगे, लोग कहते हैं भी हमने गांव का विकास कर दिया, हमारा जोड़ से लेकर के स्कूल सब आपको दिखा दूंगा कि क्या हाल है गाँव का। मेरे घर के अपने घर के पास एक नाली गुजरती है, उस नाली की वजह से मेरी दीवार टूटी हुई है, किसी ने आज तक नहीं बनवाई। मैं सबके पास जाता हूँ, जिनके पास साइकिल नहीं था आज उनके पास दो दो ट्रैक्टर हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है जी, हम इस वजह से अशोक अरोड़ा के साथ हैं, सलूट है, बहुत अच्छे आदमी हैं अशोक अरोड़ा जी, तो काम भी पहले भी करते आए हैं, शुरू से लगन है गाँवों की तरफ, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रहे हैं और आज भी उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में भी अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ जरूर। हाँ जी भाई साहब, मेरा नाम जोनी राणा है जी, गांव ज्योति से। सोनी जी, जोनी जोनी जी, जोनी इस बार क्या माहौल है, अपना वोट किसको जाता है? देखो जी, हम 10 साल से बीजेपी को वोट दे रहे थे, अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, एक राष्ट्रीय हित में हम वोट देते थे, पर थोड़ा सा कहना ऐसे कारण हुए हमारे गाँव में कि विकास के नाम पे एक सिर्फ दिखावा हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। हमारे एमएलए साहब कहते हैं कि गांव को 9 करोड़ रुपया दिया गया, आप एक बार गांव की सड़कें, मेन जो सड़कें हैं वो देखें, 9 करोड़ का कहीं आपको अगर कुछ लगे, 9 करोड़ लगा हुआ है, क्योंकि देखो पैसा लगा हुआ है, दिखता है कहीं ना कहीं पे, कहीं काम हुआ है नहीं हुआ है वो तो पब्लिक बताती है। और दूसरा एक उन्होंने अब अपना ये प्रोपोगंडा फैला रखा है इन्होंने कि इधर बाजीगर समाज का 5 गाँवों का प्रोग्राम था अच्छा, और अपना वो अशोक अरोड़ा जी को समर्थन कर रहे थे, वो वहाँ पे किसी ने वीडियो एडिट करके डाल दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, यानी कि उनके कहने का मतलब है कि हमारे 5 गाँवों के लोग देशद्रोही हो गए उनके लिए, अगर हमारे सामने कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए हम लोग वहाँ बैठ के सुन लेंगे क्या उस नारे को जी, ये तो हम लोग भी जानते हैं, हम उस बंदे को ही पकड़ेंगे सबसे पहले जो नारा लगाएगा, और उसको हम अच्छे से उसकी दुलाई नहीं करेंगे वहाँ पे, हम भी देश प्रेमी हैं, हम भी हिंदू हैं। एक वो नारा लगाते हैं हिंदू तब का कि कांग्रेस भी, कांग्रेस ही ऐसे करती है, कांग्रेस वैसे करती है, अरे आप एक चेहरा देखो जो चेहरा आपके बीच में काम कराता है, जो चेहरा आपके बीच में दिन रात रहता है, उस चीज को देखो। अशोक अरोड़ा जी का सबसे बढ़िया एक अच्छा पॉइंट यही है, और दिन रात
दुख सुख में, गांव में नहीं शहर में भी जब बुलाओ तब हाजिर हो जाते हैं। और ये हिंदुत्व का नारा देते हैं, मेरे गांव के कम से कम 1000 हिंदू अशोक अरोड़ा जी के साथ उससे भी ज्यादा जुड़े हुए हैं। मतलब आपके गांव का अगर ओवरऑल माहौल देखें तो पंजे के साथ है? पंजे के साथ है जी, कम से कम 80%। गिने चुने ही व्यक्ति, सिर्फ गिने चुने ही व्यक्ति वो रह चुके हैं उनके साथ। आप में क्या काम करते हैं? मैं सर मेडिकल लाइन से हूँ, मेरा भी एक अच्छा फील्ड में काम है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप नवयुवक भी हैं, माहौल में भी रहते हैं और आपको माहौल भी पता होगा। ओवरऑल थाने स्तर का माहौल क्या कह रहा है सर? मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट जॉब, मैं मेडिकल लाइन में हूँ, वहाँ पे मेरे को लगभग जितने लोग मिलते हैं 90% का माहौल जो है अशोक अरोड़ा की तरफ ही है। अभी कुछ टाइम पहले मिर्जापुर के सरपंच जी का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, उनको कह रहे हैं अभी हमने उनको 6 करोड़ दिए। सरपंच साहब ने खुद लाइव आके पत्रकारों को इंटरव्यू दिया, भी वो 6 करोड़ एक बार मेरे को गिना तो दें। एक सर घोषणा करने में और एक धरातल में आने में बड़ा फर्क होता है इन चीज़ों का। घोषणा तो मैं कर दूंगा, घोषणा करने में मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरी जुबानी का श्रेणी है, मैं 5 करोड़ दे देता हूँ, पर जो वो मिलेंगे उनसे काम शुरू होगा तभी तो एक अच्छा काम गिना जाएगा जी। आप थोड़ा बाहर जाके देखिए, मेरे गांव में अपना ये मदाना अपनी माता है उसका मंदिर है, वहाँ पे हमने 2021-22 में अच्छा, मान लो हम 7 साल से वहाँ जागरण कर रही है हमारी कमेटी बच्चों की, तो वहाँ पे हमने जागरण किया था। अपने सुधा जी आए, वो बोल के गए कि मैं मंदिर के लिए दान दे के जा रहा हूँ, आपने जो काम कराना कराइए। हमने काम शुरू कर दिया। अब सर देखो, दिहाड़ीदार को दिहाड़ी चाहिए टाइम से, मिस्त्री को पैसे चाहिए, सामान वाले को सामान बिचिए टाइम से, अपना उसको भी पेमेंट चाहिए। हमने काम पूरा करवा लिया। अब हमारे भक्त जी वहाँ गए 2-4 बार, उन्होंने फिर वही वो देगा, हमने उनके पास जाना ही छोड़ दिया। पैसा बड़ा नहीं होता सर, सबसे बड़ी होता है आदमी का आत्मसम्मान। अब अशोक अरोड़ा जी ने वहाँ कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए दे के, बिना कुछ बने, जबकि वो मंत्री भी नहीं है अभी, बिना कुछ बने 2 से 3 लाख रुपए का पत्थर का काम अभी शुरू करा दिया है। मेरे पास उसकी वीडियो भी है, मैंने फेसबुक पे भी शेयर कर रखी है वो चीज़ें, आप जाके भी लाइव देख सकते हैं उस चीज़ को। काम बोलता है सर, मेन होता है एक गरीब आदमी के क्या काम होते हैं ये।